सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। मैं राजकुमार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑल अबाउट स्टडी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एक या दो नंबर के। इसको हम रासायनिक सूत्र भी कहते हैं, इसे हम कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है जो कि एग्जाम बार बार पूछा जाता है वो मैंने लिया है। देखिए पहला आपका है साधारण नमक। साधारण नमक नमक को हम NaCl कहते हैं। क्या कहते हैं? NaCl। देखिए जो साधारण नमक है ये इसका जो है ना बाजारू नाम है, एक तरह से पुकारू नाम है, ठीक है। जो इसका केमिकल फॉर्मूला ओरिजिनल जो कंपाउंड इसका है वो NaCl है, ठीक है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आपका बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है इसका सूत्र होता है NaHCO3। अगर बात करें हम इसके रासायनिक नाम की तो उसके रासायनिक नाम होगी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसका ये जो बेकिंग सोडा है इसका क्या कौन सा नाम है? बाजारू नाम है, जो कि हम बोलते हैं, जैसे हम बाजार अगर बाजार जाते हैं कि हम बोलेंगे बेकिंग सोडा दो हमें तो वो दे देगा। अगर हम बोलेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट दे तो वो कभी नहीं देगा, क्योंकि वो NaHCO3 नहीं जानता है, वो बेकिंग सोडा के नाम से जानता है, इसीलिए इसको बाजारों नाम बेकिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो बेकिंग सोडा के नाम से ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी आपको पूछ देगा सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए है धोवन सोडा। इसको हम धोने का सोडा या धोवन सोडा इसको बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10 पानी का अणु, यानी कि कितने अणु हैं जल के, जल के यहाँ पर 10 अणु है, ठीक है। तो Na2CO3 10H2 इसका सही सूत्र होगा। जो चार नंबर है कास्टिक सोडा, इसका होता है NaOH, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला देख लेते हैं हम। 20 से 22 ऐसे कंपाउंड मैंने लिए जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, और याद कर लो अच्छे से। देखिए पांचवा हमने लिया है फिटकरी का। फिटकरी का दोस्तों बार बार पूछा जाता है और ये थोड़ा बड़ा है तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप एक बार दो बार पढ़ लोगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए फिटकरी का सूत्र है K2SO4। फिटकरी का सूत्र क्या है हमारा? फिटकरी का सूत्र है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इसमें जल के 24 अणु है। कितने अणु है? जल के 24 अणु है इसमें। और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। थोड़ा बड़ा है पर ये एग्जाम में बार बार आता है तो इसको याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें भी ये पूछा जाता है। अब देखिए लाल दवा। लाल दवा इसका सूत्र होता है KMnO4। अगर ओरिजिनल बात करें इसका सूत्र होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास को हम KOS कहते हैं। अगर KOS का हम रासायनिक नाम का बात करते होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए अब जो आठवां है चूने का पानी, ये होता है CaOH2। जो चूना हमारा होता है CaO, जब उसको हम पानी में मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है एक तरह से चूने का पानी, तो ये होता है CaOH का होल टू, ठीक है। तो आठ नंबर हो गया। अब चलिए देखते हैं नौ नंबर क्या है। नौ नंबर देखिए आपका, नौ नंबर है जिप्सम। जिप्सम का सूत्र कई बार पूछा गया है एग्जाम में। देखिए जिप्सम का सूत्र जो होता है वो होता है आपका CaSO4 × 2H2O। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। यानी कि देखिए जिप्सम जो है, ये जिप्सम जो आपका है इसको हम बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट। इसमें जल के दो अणु रहते हैं। कितने अणु रहते हैं? जल के दो अणु रहते हैं। अब देखिए उसका आप उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 ½H2O। इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, जिप्सम में आपका जल के दो अणु रहते हैं, ध्यान से देखिए, जिप्सम में आपके जल के दो अणु रहते हैं और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें जल के हाफ अणु रहते हैं, यानी कि आधा अणु रहता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं? जिप्सम की सहायता से बनाते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अगर पूछ दे आपको एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए कौन सा कंपाउंड हमें जरूरी होता है, किस कंपाउंड को हम गर्म करते हैं, तो ये जिप्सम होता है। इसको आप पॉइंट को नोट कर लो। जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने के बाद हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। इसको नोट कर लिए। अब उसके बाद आता है चौक। उसके बाद आपका क्या आ गया? चौक आ गया। उसके बाद आपका आ गया चौक। जो चौक आप लिखते हो वो एक तरह से क्या है? वो एक तरह से आपका संगमरमर है। क्या है? संगमरमर यानी कि CaCO3।
चौक को हम क्या बोलते हैं, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका हम रासायनिक नाम बात करें, ये सब जितना भी लिखा हुआ है ये सब सारा इसका बाजारू नाम है। क्या नाम है? बाजारू नाम है। तो आपको अक्सर बुक में भी यही लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो इसी के नाम से ज़्यादातर आपको पूछा रहता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। चलिए, तो इसका रासायनिक नाम जो होगा, अगर रासायनिक नाम की बात करें तो क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। चलिए, अब चूना पत्थर भी वही होता है, इन तीनों को, चूना पत्थर, संगमरमर और चौक, इन तीनों का एक ही होता है, इसको याद कर लो। कभी चौक पूछ देगा, कभी चूना पत्थर, कभी संगमरमर, इन तीनों का सूत्र क्या होता है, एक ही होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए 14 नंबर आपका नौसादर NH4Cl क्या है, इसको दोस्तों हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NH4Cl, इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड, और इसको नौसादर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर आपका है लाफिंग गैस, ये तो आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये बार बार हर बार क्वेश्चन पूछ ही देता है ये ऑब्जेक्टिव में। N2, जब इसका हम रासायनिक सूत्र का रासायनिक नाम बात करें तो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये आप पॉइंट लिख लो, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, अगर जिसको नहीं पता है तो वो लिख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N2O जो है तो लाफिंग गैस है, लेकिन इसका जो रासायनिक नाम वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी आपको लाफिंग गैस ना लिख के नाइट्रस ऑक्साइड दे देगा, बताएगा, पूछ देगा नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बताएंगे? N2O, ठीक है। चलिए अब देखिए लिथार्ज, लिथार्ज आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन लिथार्ज का नाम से आपको क्वेश्चन नहीं आता है। जो PbO है आपका, ये होता है लेड ऑक्साइड। क्या होता है? लेड ऑक्साइड, आप इसको नोट कर लो, क्या होता है? लेड ऑक्साइड होता है, PbO लेड ऑक्साइड होता है। क्या होता है? लेड ऑक्साइड, ठीक है, इसके नाम से याद रखो। लिथार्ज आपका बहुत कम आता है, लेड ऑक्साइड के नाम से आता है PbO, ठीक है। चलिए तो ये 16 तक हो गया आपका, और आगे हम देखते हैं, 20 से ज़्यादा मैंने लिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 17वां नंबर अब देखिए, 17 नंबर जो मैंने लिया है वो है PbS, जिसको हम गैलेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेना बोलते हैं PbS, इसको हम, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो लेड सल्फाइड। क्या होगा? लेड सल्फाइड, ठीक है, गैलेना। अब देखिए 18 नंबर है सफ़ेद लेड, लेड का ये एक कंपाउंड है, एक लेड का ये क्या है, कंपाउंड है, तो इसका सूत्र होता है 2PbCO3। हालांकि ये एक बार भी नहीं पूछा गया है, फिर भी मैंने लिया है इसको, 2PbCO3 का डॉट PbOS का होल 2। तो इस किसका सूत्र है? सफ़ेद लेड का। अब देखिए नमक का अम्ल यानी कि एसिड ऑफ साल्ट, तो क्या होता है? HCl। HCl को हम बहुत तरह से जानते हैं, HCl का जो रासायनिक नाम है वो होता है हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको नमक का अम्ल भी कहा जाता है, नमक का अम्ल भी कहा जाता है। चलिए और देखिए उसके बाद 20 नंबर है अम्लराज, अम्लराज किंग ऑफ एसिड, HNO3 plus HCl, इन दोनों का अनुपात, जो इन दोनों जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? अम्लराज बनता है। क्या बनता है? अम्लराज बनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका 21 नंबर है शुष्क बर्फ CO2, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एरिड बोलते हैं, शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? एरिड शुष्क बर्फ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि शुष्क बर्फ का सूत्र क्या होता है, एरिड होता है, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो सब लोग जानते हैं, लेकिन शुष्क बर्फ के नाम से इसे बहुत कम जानते हैं, ठीक है। देखिए CO2 का यूज कहाँ होता है? CO2 का यूज जब कृत्रिम वर्षा कराते हैं उसमें सिल्वर आयोडाइड के साथ इसका यूज कराया जाता है, और सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। और देखिए लास्ट आपका 22 नंबर हॉर्न सिल्वर AgCl, इसका सूत्र होता है AgCl, लेकिन इसका जो बाजारू नाम है जिसको हम पुकारते हैं, मतलब कि ऐसे डेली लाइफ में अगर बोलते हैं तो हॉर्न सिल्वर, तो AgCl इसका रासायनिक नाम है, सॉरी AgCl इसका जो सूत्र होता है, इसका जो रासायनिक नाम होगा होगा AgCl का सिल्वर होता है, Cl क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl यानी कि हॉर्न सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका कुछ ये आपका 20 से प्लस कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो 10वीं का एग्जाम होता है आपका, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें आपका ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको, उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से नोट बना लो इसका, लिख के और याद कर लो, फिर एग्ज़ाम में आप नहीं छोड़ो क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।